हर जगह गंदगी ही गंदगी, जहां तक आपकी नजर जाए वहां गंदा पानी भरा पड़ा है, जिसके चलते पूरे इलाके में बीमारियां फैल रही हैं और क्षेत्रवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, ये नजारा महानगर के टीचर कॉलोनी वार्ड 69 का है। यहां के क्षेत्रवासियों का कहना है कि पिछले काफी समय से यहां गंदा पानी भरा पड़ा है, जिसके साथ पूरे इलाके में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में बीमारी फैलने शुरू हो गई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हम कई बार इसकी शिकायत नगर निगम पर क्षेत्रीय पार्षद से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग पार्षद के घर के चक्कर लगाते हुए थक गए हैं, लेकिन पार्षद सुनने को तैयार नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, हम लोग कई बार लिखित में शिकायत भी नगर निगम को कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं मिल पाया। कौन सी जगह है, कौन सा वार्ड है? ये टीचर कॉलोनी है भाई साहब। वार्ड नंबर क्या है? 67। कौन है यहाँ के पार्षद? सद्दाम हुसैन है। ये जो पानी भर रहा है कितने समय से भर रहा है? ये भाई साहब 2 महीने हो गए, इस बात को परेशानी उठाते हुए। क्यों भर रहा है ये पानी? क्या ये नाला काम चल रहा है? नाला सही तरीके से बन रहा है? किस स्पीड से पहले पीछे से काम होकर आ रहा था, किस स्पीड से रात दिन काम हो रहा था? अभी तक इधर स्लो काम हो रहा है कि पहले 2-4 दिन काम होता है, 2-4 दिन छुट्टी हो जाती है। इसकी आपने शिकायत की ठेकेदार से? ठेकेदार से कल भी गया, जनरेटर चलाया था थोड़ी देर, उन्होंने पानी निकाला, उसके बाद फिर वो ऐसी बोली। अब कल से जनरेटर फिर बन गया। अगर जनरेटर रोज चले तो पानी निकलता था, लोगों को सहूलत होगी। क्या चाहते हो? ये कहते हैं कि सही होना चाहिए, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। तो ये गली वैसे भी नीची है रोड के हिसाब से, फिर गली ऊंची होकर बननी चाहिए, पानी निकलना चाहिए। क्या आपने इसकी पार्षद से या नगर निगम से शिकायत करी? पार्षद साहब तो खुद यहाँ पे नहीं है, खुद अंदर है यहाँ। बिजनौर के नजीबाबाद इलाके के अकबरपुरा चौगावा के सरकारी प्राइमरी स्कूल की, जहां पर पिछले एक सप्ताह से स्कूल की दीवार पर बेटी बचाओ बेटी पटाओ जैसे स्लोगन पेंटर ने लिख दिए, लेकिन उसके बावजूद स्कूल प्रबंधक की नज़र तो दीवार पर पड़ी ही नहीं, बल्कि अभिभावक व स्कूली बच्चों की जरूर पड़ गयी, जो शर्मसार जरूर हो रहे हैं। कई दिनों से स्कूल की दीवारों पर लिखे स्लोगन को मिटाया भी नहीं गया, जिसके साफ नजर आ रहा है अध्यापक व प्रधानाचार्य की लापरवाही। हालांकि इस पूरे मामले में इलाके के मुखिया का यही कहना है कि पेंटर की गलती से हुआ है, जल्दी इसे मिटा दिया जाएगा। ग्राम अकबरपुर चौगावा प्राथमिक विद्यालय विद्यालय, यहाँ पर लिखा है बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये यहाँ के ग्राम प्रधान ने भी इस बात को ध्यान दिया है और ये गलत लिखवा रखा है। ना यहाँ के स्कूल के अध्यापक ध्यान दे रहे हैं। ये बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ से गुजरते हैं? आते हैं जी, आते हैं। तो क्या यहाँ गलत बदल नहीं जाना? प्रधान जी ने अभी ध्यान नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। अध्यापक ने कोई ध्यान नहीं दिया, टीचर ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये फिलहाल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। इस तरीके से समाज में क्या होगा? वैसे कितने दिनों का एक हफ्ता हुआ? मैं ग्राम प्रधान मुनीश अहमद, अकबरपुर चौगावा मेरी पंचायत है। और ये जो मेरे विद्यालय की दीवार पे लिखा हुआ है बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, ये पेंटर की किसी गलती की वजह से लिखा गया है, जिससे उसका गलत संदेश जा रहा है। मैं इसको दोबारा से, ये जो आप पेंटिंग ही कह रहे हैं, जो आपके प्रधानाचार्य हैं स्कूल के, उन्हें देखना चाहिए था। और आप लोग ये समझदार हैं, ग्रामीण के पढ़े लिखे हैं, इधर ग्रामीण को भी देखना चाहिए था। जी जी बिल्कुल देखना चाहिए था, और इसे देखने से ही गलत संदेश जा रहा है। मैं इसे मिटा करके दोबारा से इसकी पेंटिंग करा। अब तो आप मिटा दे, क्योंकि इसका मैसेज तो दूर दूर ले पहुंच चुका ना प्रधान जी। ये तो आपको जैसे तुरंत हुआ था, ये भी देखना चाहिए था। जी जी जी, ये गलती है हमारी, हम लोग उस पर नजर नहीं डाल पाए। तो यहाँ जो आपके यहाँ के टीचर अध्यापक हैं, इन्होंने क्यों नहीं देखा इस पर? हाँ, उन लोगों ने भी गलत किया है, उन्हें भी देखना चाहिए था। तो आप लोगों ने भी कोई संदेश नहीं बताया? 8 दिन, कम से कम 2 हफ्ते हो चुके हैं। नहीं, 2 हफ्ते नहीं हुए, फिलहाल की पेंटिंग है, और इसको हम कल तक ही इसको मिटा करके दूसरा दिखवा देंगे। रेलवे कॉलोनी में खड़े सूखे पेड़ कभी भी एक हादसे का सबब बन सकते हैं। इन सूखे पेड़ों को रेलवे कॉलोनी वासियों में दहशत बनी हुई है। कुछ दिन पहले मनोकामना मंदिर रेलवे कॉलोनी के पास सूखा पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई। कभी भी ये सूखे पेड़ रेलवे क्वार्टर पर गिर सकते हैं और एक बड़ा हादसा घटित हो सकता है। क्षेत्र के लोगों ने कई बार रेल अफसरों से इन सूखे पेड़ों को कटवाने की गुहार भी लगाई, मगर रेलवे विभाग को शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है।
यहाँ सूखे पेड़ों को लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। बता दें कि रेलवे कॉलोनी मनोकामना मंदिर के पास सूखा पेड़ गिरने से एक महिला की जान चली गई थी, मगर उसके बाद भी रेल विभाग सूखे पेड़ों को कटवाने की सुध नहीं ले रहा। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। जिला अस्पताल में दूसरे दिन भी फार्मासिस्टों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया और अपना विरोध जाहिर किया। बताते चले कि अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने 3 दिसंबर से अपना आंदोलन शुरू किया है और तीन दिन तक फार्मासिस्ट काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे और अपना विरोध जाहिर करेंगे। उसके बाद भी उनकी मांगों पर सरकार यदि ध्यान नहीं देती तो डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन 10 दिसंबर से हड़ताल करने को बाध्य होगी। आज भी जिला अस्पताल में फार्मासिस्टियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जाहिर किया। जी भैया, ये आंदोलन चल रहा है, क्या है ये? पुरानी मिशन की बहाली के लिए और प्रदेश के फार्मासिस्टों की वेतन की संगति के लिए और रिक्त पदों पर नियुक्ति पदोन्नति संवर्ग के पुनर्गठन की तमाम मांगों को लेकर प्रदेश का डिप्लोमा फार्मासिस्ट आंदोलन पर है और आज दूसरे दिन भी पूरे प्रदेश के फार्मासिस्ट काला फीता बांधकर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। मेरी प्रदेश सरकार से यह अनुरोध है कि जितनी ईमानदारी से प्रदेश का फार्मासिस्ट चिकित्सालयों में काम करें उतनी ईमानदारी के साथ वो चाहता है कि जो उसकी जायज मांग है उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिन मांगों पर हमारा सरकार के साथ पूर्व समझौता हो चुका है और सरकार सैद्धांतिक रूप से उन मांगों को सही मानती है तो निश्चित रूप से उसमें शासनादेश जारी होना चाहिए और अन्यथा मजबूर कि प्रदेश का फार्मासिस्ट 10 तारीख से निश्चितकालीन मैदान पर जाने के लिए बाध्य। एक और जहां सरकार स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है तो वहीं दूसरी ओर महानगर के रेलवे हरतला कॉलोनी में स्वच्छता अभियान को पतीला लग रही है। यहां क्षेत्र में सड़कों पर पसरी गंदगी, कॉलोनियों में चौक नालियों से क्षेत्र में जलभराव की समस्या बनी रहती है। क्षेत्र के लोगों ने कई बार सफाई व्यवस्था को लेकर रेल अफसरों से शिकायत भी की मगर नतीजा अभी तक सामने नहीं आया। क्या समस्या आ रही है इस क्षेत्र में?
रहेगा, मंदिर वंदिर भी होंगे आसपास, वहाँ भी अभी जगह पड़े हैं। लापरवाही मानते हैं, काफी टाइम तो बढ़ाए।